ये कोलोन हॉप बानहोफ यानी कोलोन का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। यही वो जगह है जहां न्यू ईयर्स ईव पर सैकड़ों औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और आरोप है कि असॉल्ट करने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा थी, जो अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए थे। सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल सामने कोलोन का मशहूर और विशाल कैथेड्रल है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और लोगों की पसंदीदा जगह। नए साल का मौका हो या कार्निवल का जश्न मनाना हो, यहां ऐसे मौकों पर हजारों लोग जमा होते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट भी इस कैथेड्रल को देखने आते हैं, जो औरतों के साथ हुई इस घटना पर हैरान हैं। And I believe that the police have to find who did these things. रेलवे स्टेशन और कैथेड्रल के पास ही कोलोन का बड़ा बाजार भी है। मौसम अगर अच्छा हो तो इस जगह लोकल लोगों के साथ साथ सैलानियों की भीड़ लगी होती है, पर इन दिनों यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा है। जर्मनी के मशहूर WDR चैनल के उलाफ एबेक भी इस इवेंट को कवर करने आए हैं, जो कहते हैं कि ये घटना कोलोन के लिए सामान्य बात नहीं। I think this was a little bit more a singular case, and I think that this is just a matter of criminal things, not really something that this is not common to Cologne and not common to Germany. पुलिस पर आरोप है कि वो देर से हरकत में आई। अब यहाँ के वीडियो फुटेज की जांच हो रही है, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि उनमें आरोपियों को खोजना आसान काम नहीं होगा। इस मसले को शरणार्थियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो इसे और संवेदनशील बनाता है। जर्मन पुलिस के लिए चुनौती और बढ़ जाती है, क्योंकि कोलोन वो शहर है जहां जर्मनी में कार्निवल की सबसे ज्यादा धूम होती है और अगले महीने कार्निवल का सीजन अपने शवा पर होगा।